नमस्कार, मैं नितेश दुबे। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म जन की बात। जन की बात देश के अलग अलग हिस्सों से पॉलिटिकल सर्वे करता है और वहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है। इस वक्त हमारी पूरी टीम झारखंड में है, लेकिन दिल्ली का चुनाव भी नज़दीक आ गया है, तो इसीलिए हम दिल्ली के अलग अलग विधानसभाओं में घूम करके पिछले 5 सालों में केजरीवाल के द्वारा किए गए कार्य को जान रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है। सच में बिजली पानी माफ़ हुआ है? सच में दिल्ली में पानी साफ आता है? आइए हम जंगपुरा विधानसभा के वार्ड नंबर 56 की जनता से जानते हैं कि यहाँ पर उनको क्या क्या सुविधाएँ पिछले 5 सालों में मिली हैं। दादी, आपका नाम क्या है? अनीता। आप जो ये पानी आप क्या साफ आता है? पानी तो अभी तक तो साफ आ रहा है। पानी साफ आ रहा है। बिजली बिल जो माफ़ी हुआ है, बिजली बिल माफ़ी का फ़ायदा मिला? हमारा कुछ नहीं मिला। अच्छा, केजरीवाल जी ने जो है ये बस की राइड फ्री की है, फ्री करने के बाद आपने सफ़र किया? हाँ जी, मैं रोज ड्यूटी जाती हूँ। यहाँ की जो है समस्या एक पानी की समस्या, पानी साफ पानी का, ऐसा आपके घर में भी गंदा पानी आता है? ये मैं किराए पे रहती हूँ, ये वाला मकान किराए पे रहती है। हाँ। आपने बताया कि आपकी MCD में है कुछ जॉब पक्की का, क्या कारण था? हाँ, पक्के कराने के लिए करवाता। आप क्या करती हैं? मैं सफाई कर्मचारी हूँ MCD में। MCD में सफाई कर्मचारी है? हाँ, साकेत में ड्यूटी है। साकेत में? तो आप मतलब 6 साल से वादा किया गया, लेकिन अभी तक हुआ नहीं? नहीं, अभी तक कोई पक्का नहीं है। भैया, आपका नाम क्या है? भैया, मनोज जोशी नाम है मेरा। मनोज जोशी, यहाँ पे केजरीवाल जी का अगर 5 साल का हम कामकाज के बारे में बात करें आपसे, तो कैसा उनका कार्यकाल आपको लगा? भैया, यहाँ के जो MLA है प्रवीण कुमार जी है, ठीक है, काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो केजरीवाल जी का जो वादा था कि झुग्गी झोपड़ी वालों को छत दूंगा, वो उनका वादा पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, वो वादा पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने बस ऐसा कर, ना बिजली का बिल माफ़ हुआ, ना पानी का बिल माफ़ हुआ है, बस उनके वादे ही रह गए केजरीवाल जी के। कोई मतलब किराएदारों के लिए कोई वो नहीं है। पानी कैसा आता है? पानी पर एक समय घमासान छिड़ा हुआ है, पानी बहुत गंदा आ रहा है। मैं आपको पानी अभी नल चलाऊंगा तो आप दिखा दूंगा पानी कितना गंदा आ रहा है। जो था उनका कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ से कोई सिटिंग जो हमारे MP है गौतम गंभीर जी, वो भी एक ही बार आए। मैं ये सपोर्टर नहीं हूँ BJP का, लेकिन हमें तो अपने गाँव का विकास चाहिए, गाँव का विकास होना चाहिए, चाहे सरकार गवर्नमेंट किसी की भी हो। कैमरे लगे हैं क्षेत्र में? हाँ, कैमरे लगे, लेकिन कैमरे वर्किंग नहीं है। आपको क्या लगता है? परसों ही 2 दिन पहले यहाँ पे इन्वर्टर चोरी हुआ है इस सामने, लेकिन कैमरे रिकॉर्डिंग नहीं है। ये बताइए, आपको क्या लगता है इस बार की केजरीवाल फिर से आ सकते हैं? आपके वार्ड की स्थिति क्या बताती है? आप क्या मतलब सोचते हैं? स्टेट में केजरीवाल जी की 67 सीटें हैं, ठीक है, बस तो 35 तो जीत ही जाएंगे। आपका नाम भैया? मेरा नाम है रवि। रवि, कैसा लगा केजरीवाल जी का 5 साल का कामकाज? सबसे बढ़िया काम है, सबसे अच्छा काम है केजरीवाल जी का। जो केजरीवाल ने किया है ना, वो BJP सरकार ने कभी नहीं किया है। लेकिन पानी क्या सच में साफ आने लगा? साफ आ रहा है पानी एकदम, हम तो पीते हैं। लेकिन आपके MLA जी की बहुत शिकायत मिल रही है। मैं विपक्ष में बैठे हुए हैं तो शिकायत करेंगे, खुद ही नहीं आते। भैया, जो यहाँ सेटिंग है, यहाँ पूर्व विधायक 20 साल के विधायक मारवा जी ने जो काम कराया हमारी विधानसभा में, कोई विधायक काम नहीं कर सकता। कांग्रेस से मारवा जी थे। हमें अपने गांव का विकास चाहिए। जो मारवा जी काम करा सकते हैं, वो कोई और विधायक करा नहीं सकता। भैया, आपका नाम? मेरा शुभ नाम बाबू खान। कैसा लगा? अच्छा नाम है। अच्छा, केजरीवाल जी का कामकाज कैसा लगा? देखो, काम तो बहुत बढ़िया किया इन 5 सालों में, ऐसा काम कोई नहीं कर पाया जो इन्होंने कर दिया। मारवा जी थे, हर साल कंबल बंटवाते थे सर्दियों में। मारवा जी कांग्रेस से? हाँ, कांग्रेस से मारवा जी। हाँ। पर अब यहाँ के जो MLA साहब है वो तो आते भी नहीं। MLA नहीं आते, लेकिन केजरीवाल जी का कामकाज ऊपर? हाँ, ऊपर से तो देखो सपोर्ट है, अगर नीचे के आदमी जब तक कोई काम नहीं करेगा तो कहाँ से होगा कुछ। इस बार क्या लग रहा है यहाँ पर आपके जंगपुरा विधानसभा में? हमें तो देखो, हमारा पूरा सपोर्ट है केजरीवाल जी को। केजरीवाल के नाम पर? हाँ, कि वो आने हैं, वो आएंगे, ऑब्वियसली वो आएंगे ही, और इस बार कुछ अलग करेंगे डिफरेंट। जैसे वाईफाई फ्री करवाया, कैमरे लगवाए, भले ही वर्किंग नहीं है लगवाए, आगे चल के होगा कुछ ना कुछ होगा। ये बताइए कि पानी आपके यहाँ साफ आता है? पानी पर एक घमासान छिड़ा हुआ है। देखो, पानी लिमिटेड है, लिमिटेड प्रीमियम समझ रहे हो, कि कभी कभार साफ आता है, कभी कभार सप्लाई का पानी होता है, कभी गंदा आता है, कभी साफ आता है। तो साफ वाला जब आता है तो कोई भरता नहीं है, जब गंदा आता है तो सब कहते हैं ये देखो। कैसा ये बिजली माफ़ हुआ? आपको बिजली माफ़ी का फ़ायदा मिला? नहीं हुआ। देखो सुनो, किराएदार है हम किराएदार लोग हैं, मैं ही हूँ किराएदार। ठीक, फोकस करो,
मैं किराएदार हूँ, बिजली माफ़ होगा कहाँ से होगा? मकान मालिक लोग हमारे अपना मीटर कहाँ से लगवाएं? 200 यूनिट दो इतना तो यूज़ ही नहीं होता, तो इसे नॉर्मली नहीं होता यूज़। मनोज तिवारी, ये गौतम गंभीर जी के बारे में क्या कहना है? वो तो आपके एमपी हैं, नए नए आए हैं अभी। गौतम गंभीर जी आए थे गली से, बस हाथ जोड़ के चले गए, इसके आगे हमें कुछ नहीं पता उन्होंने क्या किया नहीं किया। अपने लक्ष्मी नगर साइड किया हो जो किया हो, पर यहाँ तो हमें नहीं लगता कुछ करवाया ऐसा। इधर आइए बात, ठीक है।